शांति। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अमूल्य रत्न में। अमूल्य रत्न में हम लेकर आते हैं बाबा की उन अव्यक्त मुरलियों की सशक्त और स्पष्ट परिभाषा, जिसके कारण मनुष्य आत्मा देवतुल्य बन जाती है। इन मुरलियों में छिपे हुए अद्भुत राजों को स्पष्ट करने के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं आदरणीय राजू भाई साहब। तो भाई साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी कुछ अव्यक्त स्थिति के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे 6 फरवरी 1969 के बाबा के महावाक्यों के बारे में। 6 फरवरी की मुरली का जो टॉपिक है वो है महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। जब हम मुरली की स्टार्टिंग में जाते हैं तो बाबा ने बहुत ही सुंदर बात करी है अपने अनन्य बच्चों से। यहाँ जब हम बात करते हैं अनन्य बच्चों की, तो बाबा का क्या तात्पर्य है अनन्य बच्चों से? अनन्य बाबा उनको कहता है, कई बार इसको स्पष्ट किया है अव्यक्त बाबा ने, जिनका केवल एक ही बाबा, दूसरा न कोई, जिनका कोई अन्य नहीं है, वही अनन्य है वास्तव में। जो बाबा की हर श्रीमत को पालन करता है, उनके समान बनने का पुरुषार्थ करता है, वो बाबा की नज़रों में अनन्य है जी। और अनन्य बच्चे जिन पर बाबा की बहुत उम्मीदें रहती हैं, आशाएं रहती हैं, ये बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि वो सदा ही हाँ जी करने वाले हैं। तो जो हाँ जी करने वाले हैं, सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, उनको बाबा अनन्य के शब्द दे करके संबोधित करता है जी। बाबा ने कहा है कि आपने जो सुना है वो स्वरूप बनकर दिखाना है। सब कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा की बहुत सारी मुरलियाँ सुनते हैं, समझते भी हैं, स्वरूप में लाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, और कई बार ऐसा होता है उस स्थिति को अचीव भी कर लेते हैं। एक साल, दो साल, कुछ साल तक भी वो स्थिति जब बरकरार रहती है, तो उसके बाद पता नहीं बहुत धीरे धीरे वो स्थिति डाउन होने लगती है। और एक बार जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो रियलाइजेशन होती है कि शायद कहीं ना कहीं कोई गफलत करी है हमने, इसके कारण ये स्थिति आई है। सब ये स्थिति सदा मेंटेन रहे, और यदि डाउन हो गई है तो उसको फिर से ऊपर कैसे उठाएं, इसका थोड़ा सा तरीका बताएं। वैसे कोई भी चीज़ को सदाकाल बनाने के लिए जी, उसको बीच बीच में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी जी। एक बार हमने वो अपनी स्थिति बना ली, हाँ जी, लेकिन उस स्थिति को बनाने के लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया? अगर उस पुरुषार्थ पर बार बार अटेंशन रहे, ध्यान जाता रहे, तो स्थिति सदाकाल चल सकती है। लेकिन एक बार स्थिति बन गई तो उसके बनाने की विधि पर हमारा ध्यान नहीं रहता, और उसको हम रिवाइज नहीं करते, और दूसरों को भी उसके प्रति प्रोत्साहित नहीं करते। अगर हम इसको सदाकाल बनाना चाहते हैं तो बीच बीच में दूसरों को भी प्रेरित करके कि मैंने इस पुरुषार्थ से अपनी स्थिति ऐसी बनाई और आप भी बना सकते हैं, जी जी जी, तो एक दूसरे से कलम लगती है और वो बात हमारी स्थायी रह सकती है। लेकिन अगर हम एक ही स्थिति अपने प्रति सिर्फ सीमित करके चल रहे हैं और पुरुषार्थ की विधि जो हमने किया मेहनत और बने, तो उस विधि पर पूरा अटेंशन न रहने के कारण वो सदाकाल नहीं रहता। जी जी, उस समय चलता है, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इसलिए बीच बीच में उसको खुद भी रिवाइज करें जी, और जो अपने साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको भी उस स्थिति को प्राप्त करने की विधि बताते रहें, वो ये सदाकाल रह सकता है। और भाई साहब, आगे बाबा ने कहा है कि हर एक बच्चे द्वारा, यानी अनन्य बच्चों द्वारा बाबा के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए। तो जीवन में हम चाहते हैं सभी कि बाबा के गुण हमारे जीवन के थ्रू प्रत्यक्ष हो, और उसका तरीका बाबा ने कहा कि आप सदा योग युक्त रहें, बाबा की याद में रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि बाबा के गुण प्रत्यक्ष हों, उसके लिए योग युक्त रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे कर्म पर आ जाता है। अक्सर ऐसा देखा है कि कई बाबा के बच्चे योग युक्त रहकर कर्म करते हैं, और वो कर्म करते उतनी ज़्यादा उमंग, उत्साह या एनर्जी से काम नहीं करते, थोड़ा ढीलापन सा लगता है और बहुत स्लो प्रोसेस में काम होता है, तो उससे वो जो कर्म है वो प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में ये बैलेंस जो है कि हमारे द्वारा बाबा के गुण भी प्रत्यक्ष हों, योग योग स्थिति भी हो, और उसका प्रभाव मेरे कर्म पर भी ना पड़े, इन तीनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो कैसे रखें?
वास्तव में योग युक्त का यथार्थ अर्थ है हर कर्म में युक्ति युक्त। जी, अगर हर कर्म युक्ति युक्त नहीं है तो यथार्थ रूप में वो योग युक्त नहीं है। वो योग की परिभाषा को अपने ढंग से यूज कर रहा है। बाबा ने हमको ऐसा योगी नहीं बनाया कि कर्म में हमारा अलबेलापन आ जाए। जी 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 गुणों को, बाबा के गुणों को हम अपने जीवन से तभी दिखा सकते हैं जैसे बाबा ने कर्म करके हमें गुणवान बनाया। साकार बाबा प्रैक्टिकल में कोई भी कार्य के लिए सबसे पहले आगे आ जाते थे। जी। एक मैंने साकार बाबा की जीवनी में बहुत अच्छी कहानी पढ़ी। हाँ जी। मैंने सुना, पढ़ा उसमें कि एक बार सब्जी बैलगाड़ी में आई थी। उस समय यहाँ पर बैलगाड़ी थी मधुबन में, तो बहुत सब्जी आती थी बाजार से, तो बैलगाड़ी में आई और दोपहर का समय था। सब बच्चे रेस्ट करने चले गए और बाबा खाना खाने के बाद चक्कर लगा रहे थे, तो बैलगाड़ी खाली करना जरूरी था। तो बाबा ने किसी को ये नहीं कहा कि बच्चों को बुलाओ, लेकिन बाबा खुद ही बैलगाड़ी पर चढ़ गए और बाबा बैलगाड़ी पर चढ़ करके और सब्जी उतारने लगे। तो जब एक दूसरे को पता चला कि बाबा खुद ये काम कर रहे हैं, तो सब बच्चे भाग भाग के जो भी एक दूसरे को सुना वो आ गए और मदद करने लगे और फटाफट गाड़ी खाली हो गई। तो बाबा कभी कह करके कोई सिखाते नहीं थे, करके सिखाते थे। बिल्कुल। और जब बाबा खुद करते थे, वास्तव में गुणों को हम तभी सिखा सकते हैं जब हम खुद कर्म करते हैं। बिल्कुल। इसलिए बाबा ने एक बहुत सुंदर शिक्षा दी है, कर्मों से गुणों का दान होता है। प्रैक्टिकल कर्म जब हम करते हैं तो सीखने वाला अपने आप सीखता है कि कितना एक्यूरेट कर रहा है। अगर कोई कर्म एक्यूरेट नहीं है, माना वो बाबा के गुणों को फॉलो नहीं कर रहा है। योग युक्त का अर्थ नहीं है कि हम कर्म में अलबेले बन जाएं। कर्म हमें मिले हैं, जो सेवाएं दी गई हैं, उन सेवाओं को एक्यूरेट करते हुए, उमंग उत्साह से करते हुए योग को कायम रखना। जी। योग माना बाबा की याद में रह करके कर्म करना। कर्म योगी हैं हम सब, कर्म छोड़ करके हम योग नहीं कर रहे हैं। कर्म में योग है, योग में कर्म है। जी। ये दोनों का बहुत सुंदर संतुलन चाहिए। इसलिए कोई कहता है कि योग में रहता है इसलिए कर्म में अलबेला है, माना उसको योग की परिभाषा का पता नहीं। यथार्थ योगी कभी भी कर्म में सुस्त नहीं हो सकता, अलबेला नहीं हो सकता। उसके कर्म युक्ति युक्त और दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं। जी। तो बाबा ने, दादियों ने ये सब प्रैक्टिकल करके हम लोगों को सिखाया। कर्म नहीं छोड़ा, लेकिन कर्म में योग कैसे किया जाए वो सिखाया। बाबा की याद में रह करके कर्म करो, सुदर्शन चक्र फिराते हुए कर्म करो, बाबा के गुणगान करते हुए कर्म करो, तो कर्म में श्रेष्ठता आ जाएगी और कर्म में श्रेष्ठता ही योग है। बहुत अच्छा भाई साहब, एक उदाहरण हम चाहेंगे कि आप दादियों का भी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दादी का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। उस समय हमारे पास मधुबन में, जब मैं आया हूँ 72 में, तो निवाड़ थी, जो निवाड़ चारपाई को लगाते हैं, अभी तो नायलॉन की लगने लगी, उस समय सूती थी धागे वाली। जी जी जी। और वो धागे वाली निवाड़ इस बरसात के दिनों में उसमें बहुत खटमल पड़ जाते थे, और खटमल होने के कारण उस पर सो नहीं सकते थे चारपाई पर। तो बरसात पूरी होते ही दादी कहती थी, सब निवाड़, सब चारपाइयों की उतारो, और हम सब उतारते थे और उसको गर्म पानी में डाल करके, धो करके अच्छी तरह से फिर से गोला बना करके और चारपाई बुनते थे। तो दादी भी हमारे साथ खड़ी हो जाती थी। दादी इतनी मुख्य प्रशासिका होते हुए भी इतनी निर्माण थी, कहती थी मैं सिखाती हूँ कैसे चारपाई को टाइट किया जाता है। इस पर छोड़ सोने वाले को कभी भी कोई कमर में दर्द नहीं पड़नी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। तो दादी एक तरफ खड़े होकर के खींचती थी और खींचते हुए कहती थी, ऐसे खींचो जैसे बाबा को ऊपर से मैं वतन से खींच रही हूँ। बहुत अच्छा। ऐसा योग युक्त वातावरण बना करके, योग में रह करके, दृष्टि देते, मुस्कुराते, हंसते, ये कार्य खुद हमारे साथ करती थी खड़े होकर के। जी, जी, जी। तो हम लोगों को सीखने को प्रेरणा मिलती थी। जी। तो मैंने कहा कि यही कर्म योग है, कर्म छोड़ा नहीं उन्होंने, सब छोटे छोटे कर्म उनको करे करके सिखाए। तो इसके कारण कर्म और योग दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जी। कर्म योगी है, बाबा ने और दादियों ने प्रैक्टिकल करके सिखाया। बहुत सुंदर भाई साहब। भाई साहब, आगे जब हम मुरली में बढ़ते हैं तो मैंने कहा है कि अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। वास्तव में कामना करने वाली आत्माएं जो है, कामना माना इच्छाएं, जी, हमारी कोई इच्छाएं हैं आपसे, और अगर हम
हमारी इच्छाएं आपसे पूर्ति हो रही हैं। जी जी जी। तो वो इच्छाएं आपकी हम पूर्ति कर रहे हैं, हमारी कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति आपके द्वारा हो रही है। तो आप अगर कोई बात मेरे को रांग कहेंगे तो हम उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमारी कामनाओं को पूरा कर रही हैं। बिल्कुल सही है सर। इसलिए करेक्ट हम तब कर सकते हैं जब आपके प्रति मेरे अंदर कोई कामना नहीं। माना हम सामना उस व्यक्ति का, सामना करने का अर्थ नहीं उसका विरोध करना, कई लोग सामना का समझते हैं विरोध। बाबा का भाव ये नहीं है। सामना माना कि अगर मान लो आप गलत हैं और हम गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, माना हमारी आपके प्रति कोई कामनाएं हैं। बिल्कुल। आप या तो मुझे कोई चीज दे रहे हैं या मेरी महिमा कर रहे हैं या मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो बात में हम आपकी कमियों पर ध्यान नहीं खिंचवा सकते। बिल्कुल ठीक। उसका हम सामना नहीं कर सकते। आप गलत कर रही हैं, हम आपको करेक्ट नहीं कर सकते। सही बात। यहाँ पर बाबा कह रहा है अगर आपकी कामनाएं हैं तो सामने वाले का जो जिससे आपकी कामनाएं पूरी हो रही हैं उसका सामना नहीं कर सकते, माना आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक भाई साहब। मेरी कोई आपके पास कोई भी चाहना है और आप पूर्ति कर रहे हैं तो आप अगर गलत करेंगे तो हम आपको गलत नहीं कह सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है भाई साहब। सामना नहीं कर सकते। बाबा उस शब्द को ले रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति से नाम की, मान की, शान की, वस्तुओं की, साधनों की कामनाएं हैं, और कामनाएं अगर आपके द्वारा हमारी पूरी हो रही हैं और आप श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो श्रीमत का उल्लंघन करने के बावजूद हमें पता है कि उल्लंघन हो रहा है, फिर भी हम आपको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। पता है अगर कह देंगे तो फिर सामने वाला देना बंद कर देगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए कामना वाला सामना नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई से कोई कामना नहीं रखो। आपसे मेरे को ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना महिमा चाहिए। जब मुझे चाहिए ही नहीं तो कभी भी बात कोई होगी तो हम कह सकते हैं, अथॉरिटी से कह सकते हैं और आपको मानना पड़ेगा। ऐसा मुरली में आगे बढ़ते हैं तो बाबा ने कहा है कि यदि आपको अव्यक्त स्थिति बनानी है तो अपने आप को मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। लेकिन जब हम सेवाओं में आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है भाई साहब कि जब तक किसी की महिमा नहीं करते हैं तब तक वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। और यदि किसी की महिमा करो और दूसरे की नहीं करो तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। और देखा जाता है कि जितनी महिमा करते जाते हैं उतनी वो सेवाओं में भी आगे बढ़ता है। तो किसी के गुणों का वर्णन करना, उसके बारे में उसको स्वमान में स्थित करना और उसके बाद वो सेवा करे, इससे तो उल्टा और ही सर्विस में प्रगति होती है। लेकिन बाबा ने कहा है कि अपने को मेहमान समझो और महिमा जो है वो नहीं सुनो। तो महिमा तो सुनेंगे और समझेंगे और फिर स्वमान में टिकेंगे, उसके बाद ही वो सभी भाई बहनें सेवा करते हैं ना। तो इसमें बहुत ही बात आ जाती है कि महिमा तो करनी पड़ती है ना। महिमा करनी जरूर चाहिए जी। महिमा करने के लिए बाबा मना नहीं कर रहे हैं जी जी जी। लेकिन सुनने वाले को अपनी स्थिति में बैलेंस में रहना चाहिए। ये जो महिमा आप कर रही हैं ये मेरी महिमा नहीं, ये बाबा की महिमा हो रही, क्योंकि बाबा ने मुझे ऐसा योग्य बनाया है। तो ये जब कॉन्शियस रहती है तो सुनने का जो नशा है, उल्टा नशा, वो उल्टा नशा नहीं चढ़ता। स्वमान जरूर रहना चाहिए, स्वमान गलत नहीं है जी जी। अगर आपने मेरी कोई प्रशंसा की है तो प्रशंसा का स्वमान आत्मा को उमंग उत्साह दिलाता है जी। लेकिन उल्टा नशा कभी कभी अभिमान में ले आता है कि मैं ही योग्य हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। ये श्रेष्ठता का जो अभिमान है वो अहंकार का रूप है। बिल्कुल। बाबा हम सबको निर्माण बनाना चाहता है, इसलिए कहता है बच्चे महिमा सुनो नहीं। कोई महिमा आपकी अगर कर रहा है तो जैसे बाबा की महिमा हो रही है, बाबा ने मुझे इतना योग्य बनाया, बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, तो बाबा की तरफ आपका ध्यान हो। करने वाला तो आपकी करेगा, लेकिन अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया और उसका थोड़ा सा उल्टा नशा चढ़ा और फिर सामने से किसी ने आपकी महिमा नहीं की तो आपको उसकी फीलिंग आएगी, आप उसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए बाबा हमको बैलेंस में रखना चाहता है कि महिमा हो या निंदा हो, कोई महिमा करे या न करे, आप अपने ऊंचे सम्मान में रहो। हो रही है तो ये बाबा की हो रही है, बाबा करण करावन हार है, मुझे बाबा ने ऐसा लायक बनाया है, ये बाबा की महिमा है, मेरी क्या है, तो उसका एक उल्टा नशा नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता हम तो मेहमान हैं, मेहमान का कुछ होता नहीं है, कर्म किया और न्यारा हो गया। पर भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जब आपके गुणों का गान करता है तब आपको लगता है कि हाँ अभी हम ठीक कर रहे हैं,
और लगता है कोई अगर महिमा नहीं हुई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भी ठीक नहीं हूँ या मुझे सुधारने की आवश्यकता है। तो कई बारी महिमा को इस तरीके से भी लिया जाता है कि वास्तव गुण। में जी महिमा की अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। जी आप हमारी महिमा करो तभी मैं ठीक हूँ, मैं समझता हूँ ये भी एक हमारी हद की इच्छा है, और ये इच्छा कभी भी दुखी करेगी व्यक्ति को। महिमा हो रही है, अगर हम ठीक कार्य कर रहे हैं, लोग महिमा कर रहे हैं, अच्छा है कह रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा ठीक प्रोसेस ठीक है, लेकिन उसने की तब मुझे उसका भान हुआ, वो एक कॉन्शियस जो है वो अपेक्षा कहलाती है। और जहाँ अपेक्षाएं हैं, कोई भी प्रकार की हद की इच्छाएं हैं, वहाँ व्यक्ति कभी भी उमंग उत्साह में नहीं रह सकता, स्थायी नहीं रह सकता। थोड़े समय के लिए प्रशंसा की, उमंग आ गया, फिर नहीं हुई, डाउन हो गए। तो बाबा वो नहीं चाहता, बाबा चाहता मेरे बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहें। महिमा हो या ना हो, बाबा तो इतनी महिमा आपकी कर रहा है ना, बाबा ने आपको किस सम्मान में नहीं टिकाया कि मेरे बच्चे तो मेरे से भी ऊंचे हैं, पहले मेरे बच्चे हैं, ये मेरे सिर के ताज हैं, ये मेरे तख्त के मालिक हैं। तो बाबा ने जो सम्मान दिया है, जो उस सम्मान में रहता है, वो इस हद की महिमा हो या ना हो उसकी अपेक्षा नहीं करता। हो रही है ठीक है, बाबा की हो रही है, बाबा ने ऐसा योग्य बनाया है, बाबा ने मुझे ऐसा चांस दिया है, ये बाबा की मेहरबानी है, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। बाबा के प्रति, सामने वाला अगर कर रहा है तो बाबा ने ऐसा बनाया है, तो हमारा ध्यान बाबा के प्रति जाएगा, तो हम उस महिमा के उल्टे नशे में नहीं आएंगे, दिखाएंगे नहीं मेरा जैसा कोई नहीं तो अहंकार का रूप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक भाई साहब, हम समझे। मतलब टेम्परेरी यदि आपको खुशी लेनी है किसी से तो टेम्परेरी महिमा जो कोई कर रहा है उसके भान में व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका उमंग उत्साह आपकी खुशी बरकरार रहे, उसके लिए आपको एक रस अवस्था बनानी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अपना नेचुरल सम्मान क्रिएट करना चाहिए कि बाबा ने मुझे कितना सम्मान दिया है, जी जी कितना जी लायक बनाया है, बनाने वाले की मेहरबानी है जो उसने हमको ऐसा बनाया है, जी जो आज हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो बाबा ने बनाया है, लोग महिमा करें या ना करें, करेंगे आज करेंगे कल। बाबा कहता है आज कोई कुर्सी पर बिठाएगा, कल कुर्सी खींच लेगा, बिल्कुल आज आपको नशा चढ़ा, कल आप डाउन हो जाएंगे। इसलिए उन बातों में न जा करके बाबा ने जो इतना सम्मान दिया उस नशे में रहना चाहिए। और मेहमान समझो। मेहमान का अर्थ है कि उसका कुछ अपना नहीं है, आया है, कर्म किया, पार्ट बजाया, फिर वापस जाना है। वो किसी चीज में लगाव नहीं रखता, कोई साधनों से लगाव नहीं है, कोई सुविधाओं से लगाव नहीं है। आज हमारे घर में मान लो कोई मेहमान आए, आपके पास कोई मेहमान आए, मेहमान थोड़े समय बैठेगा, आपके साथ हंसेगा, बहलेगा, बात करेगा, अपने काम बात करेगा, उठ के चला जाएगा। ऐसा तो नहीं वो मेहमान बन करके आया और घर का मेहमान बनते बनते मालिक बन जाए। बिल्कुल बाबा कहता है इस सृष्टि पर ही तुम मेहमान हो, आए हो, जाना है। लेकिन कई लोग इसी घर को ही अपना मान बैठे हैं, ये मेरा है, तो मालिक बन बैठे। तो बाबा कहता बच्चे अगर तुम इन सब चीज़ों के मालिक बन गए तो मेहमान का नशा नहीं रहेगा, मेहमान की स्मृति नहीं रहेगी, और उसमें लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, उसके अंदर आप आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ों को अपना समझने लगे। और बाबा चाहता है कि सृष्टि मंच पर हर एक्टर, हर पार्टधारी मेहमान है, थोड़े समय के लिए पार्ट में आया है, फिर वापस जाना है। घर की स्मृति जिसको रहती है ना, उसको ये भान रहता है कि मेरा घर वो है, हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं, हम पूरे सृष्टि नाटक में मेहमान हैं, आज आए हैं, कल जाना है। तो ये स्मृति हमको हद की कामनाओं से परे कर देती है, कोई हद की इच्छाएं नहीं रहती, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए पार्टधारी हैं, पार्ट मिला है, बजा रहे हैं, फिर यहाँ से हम जाएंगे। तो बाबा वो मेहमान का अर्थ बताता है, तो मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। तो महान बनेंगे, उपराम हो जाएंगे ना सब बातों से। किसी चीज में बुद्धि नहीं जाएगी तो महानता आ जाएगी, किसी चीज में फंसेंगे नहीं, कोई आकर्षित नहीं करेगा, कोई के लगाव झुकाव में नहीं आएंगे, क्योंकि मेहमान है हम, और वो महानता आ जाए, यही महानता बाबा चाहता है। कि बाबा तो ऊंचे थे, ऊंचा है, उसका लगाव कहीं नहीं है, कहीं नहीं, वो महान है ना, वो सबसे महान है, सबसे महान तभी है जब कहीं पर भी वो अटका हुआ नहीं है, किसी हद को उसने अपना नहीं बनाया, जी वो सारा ही विश्व उसका है, जी 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 सारा परिवार उसका है, इसलिए वो महान है। तो बाबा अपने समान बनाना चाहिए, सब कुछ हमारा है और कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं, ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो सब आगे मुरली में बाबा ने कहा है कि यदि आपको सर्विस में सफलता प्राप्त करनी है तो तीन बातों का ध्यान देना है।
एक है बहाना, कहलाना और मुरझाना, तो इनके कारण ही सर्विस में सफलता नहीं हो पाती है। ऐसा है कि कोई भी गोल्डन चांस हमको मिलता है सेवा का, जी, और उस सेवा को बार बार कोई कहे और फिर मैं करूं, कहला रहे हैं हम बार बार, जैसे हम भाव खा रहे हैं, बाबा कहते हैं भाव खा रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा है, अपनी सेवा है, बाबा की सेवा है, तो क्यों कोई मुझे कहे, चांस मिला है मुझे, ले लेना चाहिए। फिर भाई साहब ऐसा होता है किसी को उसकी चॉइस की सर्विस नहीं मिलती, तो डेफिनेटली अपने आप ही वो बहाना बनाना शुरू करता है कि ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। अगर उसके चॉइस की उसको मिलती है तो फिर कोई कारण नहीं उसके सामने है, फिर कहलवाता भी है, फिर ना मिले फिर मुरझाता भी है, किसी और को दे दी तो मुरझाता भी है। वास्तव में जब समर्पित हो गए बाबा के आगे, अपनी चॉइस कहाँ रही? अगर इस बात को थोड़ा समझा जाए ना, बहुत गहराई की बात है ये, जो सेवा मिले बाबा के यज्ञ की, कोई भी सेवा, बाबा हमें कोई भी प्रकार की सेवा दे, जिस सेवा के लिए निमित्त बनाया है वही सबसे बड़ी सेवा है। चॉइस अपनी अगर है तो उसमें जरूर बहाना भी होगा, कहलाएंगे भी, मुरझाएंगे भी। अपनी चॉइस नहीं है, जो बाबा दे रहा है, जो कर्म हमको मिल रहा है, उसको बड़े प्यार से, खुशी से, अपना समझ के करेंगे, तो उसमें बहाना भी नहीं रहेगा, कहलाएंगे भी नहीं और मुरझाएंगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं ये मेरी पसंद की सेवा नहीं है, आज मुझे अगर भाषण मिले, स्टेज मिले तो मुझे खुशी होगी, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, अच्छा मैनेज कर सकता हूँ, तो वो सेवा नहीं मिली। मान लो हमको मिल गई स्टेज के बजाय भोजन खिलाने की सेवा, तो भोजन खिलाने की सेवा का हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट नहीं है, अब कह रहे हैं लोग, बड़े कह रहे हैं जाओ करो जा करके, हम बहाना बता रहे हैं हमारे तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, और फिर जबरदस्ती करते हैं तो मुरझा जाते हैं, सो जाते हैं जा करके, चेहरा उदास हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है जितना महत्व तो आपको स्पीकर का, भाषण करने की स्टेज के मार्क्स हैं, इतना ही आपके भंडारी की सेवा के हैं, उससे भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट दुआएं मिल रही आत्मा की। तो कोई भी सेवा बाबा ने जो दी उसको स्वीकार करके, अपनी च्वाइस छोड़ करके बड़े दिल से करो, तो सबकी दुआएं मिलेंगी, सबका स्नेह मिलेगा। इसलिए सेवा की सफलता के लिए जो सेवा सामने आए, चाहे मनसा किया है, चाहे वाचा किया है, चाहे कर्मणा किया है, हर सेवा में हाँ जी करो तो सफलता है, और अगर बहाना बनाया, कहलाया, मुरझाया, तो आपको उसकी मार्क्स नहीं मिलेंगे। यदि कोई मुरझा गया, किसी ने बहाना बना दिया और आप जानते हो ये अच्छी तरह, और कहलवाना चाहता है, आप ये जानते हो यदि मैं उसको दो चार दफ़ा कहूँगा तो मान जाएगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लेकिन ऐसा है कि कई बार कोई को बार बार कहने से कर लेता है, तो कभी रिस्पेक्ट देने के लिए कहना पड़ता है, कई बार छोड़ देना पड़ता है, हर चीज़ में थोड़ी बार बार कहना होता है। अगर उसको चांस लेना है, भाग्य बनाना है, तो बार बार कहलवाएगा नहीं। लेकिन कई ऐसे गफलत करते हैं, अलबेले होकर के रहते हैं, कहेंगी बहन जी तो हम कर लेंगे, दो चार बार कहेंगे तो देखेंगे। कई बार ऐसा भी कहते हैं छोटी बहन ने कहा तो नहीं मानेंगे, और बड़ी बहन जी कहेंगी तो मान जाएंगे। तो क्या है, उनका एक अपना ये अभिमान कहें सूक्ष्म में, जो उनको आपकी बात को स्वीकार करने नहीं देता है, किसने क्यों कहा है, बड़े बैठे हैं ना, वो क्यों नहीं कह रहे हैं। तो जब ये भावना रहती है ना, वो क्यों नहीं कह रहे हैं, तब वो बहाना करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वास्तव में ऐसा करना चाहिए कि जहाँ तक जो सेवाएं हैं, अगर हमारे कहने से वो नहीं समझ रहा है, तो बड़ों को इशारा कर देना चाहिए, दीदी अगर आप कहेंगी, भाई साहब अगर आप कहेंगे तो सहज हो जाएगा, इसलिए आप इसमें आगे आ जाओ, कहो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, तो उसमें अपने को मोल्ड कर लेना चाहिए। हर बार नहीं कहना चाहिए कि आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए, हम समझ गए ना उसके नेचर को, तो हमारा कहना मानेगा नहीं, दो चार बार कहलाएगा, क्यों नहीं हम बड़ों को कहें कि आप ही कह दो। जी जी, मतलब कोशिश करके हर चीज को सरल और सहज बनाने का सहज और प्रयास करना चाहिए सदा। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत ही सहज तरीके से हमें समझाया कि किस प्रकार से यदि हम अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें महिमा में नहीं आना है और मेहमान समझ के रहना है, तभी हम महान बनेंगे। भाई साहब आज की इस सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बहुत सारी गहरी बातें जानी, हमने दादियों और बाबा के उदाहरणों से बहुत कुछ जाना, समझा
किस प्रकार से हमें इस पुरुषार्थी जीवन में आगे अग्रसर होना है। हमने ये भी जाना कि किस तरीके से हमें मुरझाना नहीं है, कहलवाना नहीं है, एक रस अवस्था सदा बना के रखनी है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम महिमा सुनना छोड़ दें, महिमा करना नहीं छोड़ें, महिमा सुनना छोड़ दें, मेहमान समझ के रहें, और तभी हम महान बन सकेंगे। आज हमने बाबा के उदाहरणों से जाना कि किस प्रकार हमें अपने प्रत्यक्ष जीवन के द्वारा बाबा को और इस यज्ञ की सभी दादियों दीदियों इन सब के अरमानों को पूरा करना है, अपने जीवन को बाबा के अरमानों का प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर दिखाना है। आज के ये महावाक्य मैं समझती हूँ हम सभी के लिए प्रैक्टिकल जीवन के लिए एक बहुत बड़े सार्थक सिद्ध होंगे, हम सभी के लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होंगे। हम अगले एपिसोड में आज की ही मुरली को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।